मैं आपसे कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट जो है इसको चेंज करते चले जाओ। चेंज कैसे करोगे आप इसको डायरेक्ट? देखो ध्यान से, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ इसको, कि मान लो मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, तो हमारा ये ब्रैकेट हो गया खत्म, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। लेकिन इसकी वजह से ये जो माइनस है, ये एन जो हमारा है, ये तो माइनस का हो गया क्योंकि इसके बाहर माइनस आ गया, लेकिन ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस भी प्लस हो गया, ठीक है, और ये वाला प्लस माइनस हो गया। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई या नहीं, बस ये बता दो। ठीक है सर। अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या मैं ये कह दूं आपसे कि भाई इस n को इस n से कैंसिल कर दो? यस सर। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। गुड। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास अब, अच्छा, क्योंकि जिस भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है उस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, अंदर के साइन चेंज होने नहीं है। तो अगर बाहर बाहर प्लस है, तो फिर आप जरा ध्यान से देखो बेटे, इसके बाहर प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे आप एज इट इज सिंपल लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिविजन तो है नहीं। अब ब्रैकेट का सिर्फ एक ही काम रह गया कि साइन चेंज होने या नहीं होने। आ गई बात समझ में? अच्छा, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला इस पूरे मिडिल ब्रैकेट के बाहर साइन कहे का है? ये वाला साइन, ये जो मैंने किया हुआ ब्लैक, ये वाला साइन कहे का है? ये भी कहे का है, ये भी प्लस हो गया, तो इससे भी अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो क्या मैं इस वाले टर्म को भी बेटे ऐसे लिख दूं, प्लस एन माइनस स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस, अभी मैं बार लिख रहा हूं एज इट इज, आप बार से शुरू कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मिडिल ब्रैकेट हटा दिया है और लास्ट वाला जो बचा हुआ है वो मेरा प्लस का 2m, प्लस 2m था पहले, अब माइनस का 2m कर दिया था मैंने, तो लास्ट वाला मेरा माइनस 2m। ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। गुड। अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास सिर्फ एक अंदर वाला ब्रैकेट बचता है, तो उसमें अंदर के साइन चेंज करने हैं। अंदर के साइन क्या चेंज करने हैं आप देख लो, ये मेरा ब्रैकेट हट गया मान लो, तो इसके बाहर बचा माइनस, और इस माइनस से ये वाला अंदर हो गया प्लस, ये वाला क्या हो गया? प्लस। प्लस हो गया। अब बार बची, बार के बाहर प्लस है, मतलब इस बार को मैं स्मॉल ब्रैकेट कह रहा हूं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस है ना बाहर, ये वाला साइन कह का है प्लस का, तो ये m माइनस n ही रहेगा, क्या रहेगा? अब देखो बेटे, ये m रहेगा एज इट इज, ये प्लस है, ये n रहेगा एज इट इज, ये प्लस है, आप इसको खुद भी अपने लैंग्वेज में करके देखना, ये माइनस रहेगा, ये n रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये वाला, ये एज इट इज m माइनस n ही रहेगा। बार का मतलब ब्रैकेट आपने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस था, तो इस प्लस से अंदर वाले ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, बार का मतलब सिंपल, और लास्ट वाली टर्म माइनस टू एम, तो ये है आपके पास सिर्फ। अब जिसको तलवार लेके आप उड़ा सको उड़ा दो, देखो सारे कट गए या नहीं कट गए। सर कुछ समझ में आया क्या? यस सर। खत्म हो गई बात, तो ये आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा एक बार। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देख, हमारे पास क्या है, 7/2 डिवीजन दिया हुआ है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह क्वेश्चन में, 5/2 इनटू 3/2 जो यहाँ आपसे क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, अगर इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और आप ये कोशिश करें कि पहले अगर मुझे 2 मिनट लगे तो आप फिर दोबारा करो तो उसे 1 मिनट कर लो, 1 मिनट को भी 50 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड कर लो। अगर आपने उसी क्वेश्चन को 5 बार कर लिया सर, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं आप 50 क्वेश्चन करो, आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार करो। मैं भी खुद कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर उसे दूसरे तरीके से सोचता हूँ, सोचता हूँ पहले फिर करता हूँ, ये नहीं कि पहले करूंगा फिर सोचूंगा, सोचता हूँ अगर इसको यहाँ से हटाऊँ इसको यहाँ से हटाऊँ तो क्या फायदा होगा। तो आप भी अगर इस तरह से कोशिश कर लें तो इंशाल्लाह वो भी काफी आपको हेल्प देगा। 7/2 डिवीजन, 5/2 ऑफ 3/2 डिवीजन, 15/14
ये हमारे पास, जरा कोशिश करिए इसका आंसर. सब बच्चे जरा कोशिश सर. हाँ जी, एक आंसर तो आ गया, इन्होंने बता दिया 14/15. और बच्चे जरा कोशिश करें. सर 14/15. हेलो चलो जी, देखते हैं आप जो बच्चे क्या रहे. ऑर्डर क्या है हमारे पास रूल का? यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है और डेनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसमें ये ध्यान रखिए कि ये 15/14 अलग चीज है, बिल्कुल सेपरेट. ये न्यूमरेटर अलग है और ये डेनोमिनेटर अलग है. जिस तरह से आप सोच रहे हो उसी तरह से करके देखिए. न्यूमरेटर जो हमारे पास है बेटे, आप सब बच्चे मुझे बताइए, न्यूमरेटर है बेटे मेरे पास 7/2 डिवीजन 5/2 इंटू 3/2. बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी सब बच्चे? ब्रैकेट है नहीं इसमें, ऑफ है नहीं इसमें, डिवीजन है. इसमें डिवीजन है ना, तो इस डिवीजन का हम क्या करेंगे ये बताइए, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/2. आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए 5/2, या आप चाहो तो इस डिवीजन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये हमारे पास जो है, हमारे पास है 7/2, ठीक है? डिवीजन की जगह हमने कर दिया मल्टीप्लाई और इसे कर दिया 2/5 और 2/5 इंटू 3/2. ये हमारे पास हुआ. जी भाई, वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र. आधा घंटा पहले कहा था उसने, तो किया नहीं है. तो आधा घंटा पहले मेरे पास ऑफिस में नीचे खड़ा था, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया था कि भाई चेंज कर दो, तो उसने तक किया नहीं. क्या भाई पूछ रहा हूँ, आपको कॉल सुनवाऊं क्या मैं, कि उसने मेरे ऑफिस से मेरे ही लड़के के फोन से बात करी है मुझसे आधा घंटा पहले? आधा घंटा क्या 40-45 मिनट होगा? तो कह रहा था मेरे पास केबिल है, डलवा दीजिए भाई उसे, करा दीजिए. जी बेटे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी. क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास अगर हम सॉल्व कर दें इसको? 10 हो जाएगा. जी बेटे 21/10. 21/10, चलो ठीक. अच्छा, डेनोमिनेटर बताओ मेरे पास क्या है?
सेवन बाई टू डिवीजन फाइव बाई टू ऑफ थ्री बाई टू. ऑफ को हम क्या करें? मल्टीप्लाई. आपके पास आएगा सेवन बाई टू डिविजन फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू. तो आपके पास आ गया सेवन बाई टू डिविजन, इन दोनों का आपने सॉल्व किया, फिफ्टीन बाई फोर. आप क्या करेंगे? अब डिविजन को यूज करेंगे, ये हो जाएगा सेवन बाई टू इंटू फोर बाई फिफ्टीन. तो आपके पास कितना आएगा भाई? हाँ भाई, बात सही है या नहीं है? आइए मुझे. अगर जी है तो अब मुझे ये बता दीजिए आप सब बच्चे, अगर जी है तो मेरे पास न्यूमरेटर आया है 21 बाई 10 और डेनोमिनेटर मेरे पास आया है 14 बाई 15. अब मुझे आप ये बताओ क्या ये वैल्यू 1 है या नहीं है? हाँ जी, आप सब बच्चे तो यही तो कर रहे थे कि आप सब बच्चे इसको पूरे को वन कर रहे थे कि ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? 15 बाय 14, तो उसका डिवीजन है तो वो रेसिप्रोकल होके 14 बाय 15 आ जाएगा. तो क्या यहाँ वन आया क्या? मुझे आप ये बताओ, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर वन आया है क्या, ये बता दो बस. तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? फर्क तो वही है ना, आपको ऊपर नीचे टर्म तो एक सी नजर आ रही है लेकिन ऑर्डर चेंज हो रहा है सॉल्व करने का. आपको यहाँ ऑफ दिखाई दे रहा था, सब बच्चों को ऑफ दिखाई दे रहा था, तो ये इनटू हो रहा था. क्या हो रहा था? इनटू हो रहा था, तो ऊपर नीचे सेम दिख रहा था. अगर सेम दिख रहा था तो आप इसे वन कर रहे थे. लेकिन ये प्रॉब्लम ये है बेटे, यहाँ यहाँ पहले इसको सॉल्व करना है और यहाँ पहले इसको सॉल्व करना है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा पूरा. समझ में आया या नहीं आया सब बच्चों को? जी सर आ गया. तो प्लीज इतना फास्ट मत चला करो, ठीक है सर? ध्यान रखना. अब हमारे पास क्या आया फाइनली? हमारे पास फाइनली ये आया और यहाँ हमारे पास कितने डिवीजन है और डिवीजन के साथ था 15 बाई कितना था? 14. यस, तो ये जो 14 बाई 15 अपॉन में, इसे आप चाहो तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 बाई 10 इंटू 15 बाई 14. ये तो इसका आया और ये जो हमारे पास डिवीजन है, इस डिवीजन को क्या कर लोगे? 14 बाय 15. ये आप कैंसिल कर सकते हो. फाइनली आपके पास आंसर क्या है? 21 upon 10. डिस्प्ले फॉर्म में आपका आंसर लिखा हो. तो ये चीज तो सब बच्चों को समझ में आया है नहीं आया? सोच लीजिए टर्म्स कितनी सिंपल सी दी हुई थी, आप उसका आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे रहे थे, बट वो ऐसा नहीं है. इसी वजह से ऑर्डर मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
तो आप लोग ये इसको रिवाइज करेंगे और मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ सब बच्चों को कि आप सब बच्चे आज के लिए इतना ही है कि फॉर्मूले याद कर लीजिए बस, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में हम इसको भी यूज करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा आपको फॉर्मूला शीट भेज दूं। a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, लेकिन इन फॉर्मूले से फिर दूसरे फॉर्मूले डेवलप होते हैं। जैसे आपके पास कभी कभी आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज, नहीं बेटे इतनी जल्दी नहीं करते, या आपसे पूछ लेगा ए फोर प्लस बी फोर क्या, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप सिर्फ कोशिश कर लीजिए, अगर आपको कहीं ढूंढ-डांट के फॉर्मूले मिल जाए, या मैं देखता हूँ शीट पूरी मिल जाए तो मैं आपको डालता हूँ। तो आज सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपसे कहा है कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं छोटे छोटे से, आप इनको 10 बार करिए। अगर पहली बार में आपको 10 मिनट लगे, 2 मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है, नेक्स्ट टाइम में 15 सेकंड लगने चाहिए, आपको 40 सेकंड लगने चाहिए, तो इतना भी अच्छा होगा। कोशिश कर रहा हूँ शीट डाल दूँ, फॉर्मूले डाल दूँ, तो उसको रिवाइज करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन मैथ्स पढ़ाऊँ, मैथ्स सबका कॉमन होगा, और एक दिन मैं डीआई और डीएस पढ़ाऊँ, तो सिर्फ एमबीए वाले, तो इंशाल्लाह कल भी एमबीए वालों के साथ क्लास होगी। ठीक है सर? ठीक है सर। अच्छा शेड्यूल में शाम में बताऊंगा बेटे किस टाइम में, तो फॉर्मूले भेज दीजिएगा, मैं बेटे भेज दूंगा।